हज़रत मौलाना राश जनाब साहबजादा पीस के आसिम शाह साहब शराब आदमी शाही गांगिया को वेलकम करता हूँ। मैं उनको खुश आमदीद कहने के लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाया। एक वक्त वो था कि अल्लाह साकी साहब वैसे फरमा रहे थे कि हम रो रो कर अल्लाह के हुज़ूर दुआएं किया करते थे, या अल्लाह हमारे पीर मुर्शिद के गुलशन में बहार और बहार में खूबसूरत फूल अता फरमा। अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और इस पे हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि आज अल्लाह ताला ने वो दिन दिखा दिया कि क़िबला साहबज़ादा वाला शान हमारे दरमियान मौजूद हैं और कुर्सी सदारत पर विराजमान हैं। हुज़ूर क़िबला पीर साहब की खिदमत किसी से घटी चुकी नहीं है। अभी तमाम साथियों ने बड़े अच्छे अंदाज में आपकी खिदमत का जिक्र किया है। क़िबला हाशमी साहब फरमा रहे थे कि किसी ने पूछा कि आपने कोई पीर साहब की करामत देखी है, क्योंकि आज क़िबला पीर साहब भी यहाँ मौजूद नहीं है, हो सकता है आप तशरीफ फरमा होते तो मुझे रोक देते। इसलिए मैं इस मौके से यह फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा कि मैंने जो चंद एक करामात खुद मुलाजा की है हुज़ूर क़िबला पीर साहब की वो साथियों से शेयर करूँ। एक जो लेटेस्ट करामत मैंने देखी है कुछ चंद साल पहले, हमारे मौलाना अफजल साहब कहीं छुट्टी पर तशरीफ ले गए और दो हफ्तों के लिए मुझे हुक्म फरमाया कि आप फराइज़ में नमाजें पढ़ा दी। मैं उस वक्त को मजदूरी भी किया करता था, मैंने वो काम छोड़ा और ड्यूटी पे हाजिर हो गया। जोहर की नमाज का वक्त था, एक बजे सर्दी में दिन थी, मैं 12:30 तैयार होकर गाड़ी के पास पहुंचा। उस वक्त मैं रहता था फैगले में जो फ्रेंचिंग आर से तकरीबन 4-5 मील के फासले पर है। जब गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा एक टायर पंचर है। अब अगर टायर चेंज करता हूं तो नमाज का वक्त निकल जाएगा। मुझे जाप की कोई परवाह नहीं थी। मेरे दिल में जो ख्याल आया वो ये था कि अगर मैं आज लेट हो गया तो क़िबला पीर साहब की खिदमत में ये शिकायत पहुंचेगी कि मौलाना नमाज में आज नहीं पहुंचे या लेट पहुंचे, और ये नहीं मुझे किसी सूरत में जो है ना पसंद नहीं थी। ये सोचा और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसी तरह फ्रेंचिंगार की तरफ रवाना हुआ। हमारी उस रोड पर भी वो बम्प बने हुए हैं और फ्राइजिंगार में भी सब साथी जानते कि वहां वाले बम्प हैं वो तो और जगह पसंदी वाले हैं। मैं गया, नमाज जो है वो पढ़ाई और वहां से गाड़ी लिया और कार्लाय रोड पे आ गया। वहां चौधरी असलम साहब वो काम करते थे टैंक वालों के पास, उन्हें मैं अर्ज किया कि मैंने कहा ये टायर खोले और क्या टायर चलाए, इसके अंदर तो कुछ नहीं बचा होगा। उन्होंने कहा करते हैं, उन्होंने टायर उतारा, उसे जब खोला अंदर से चेक किया, कहते मैं इसको चेक ना कर लू पहले, अब आके दोबारा इसके ऊपर चढ़ा के। मैंने कहा क्यों, कहते इसको मैंने कहा कर लो। उन्होंने वो टायर चेक किया, उन्होंने कहा सिर्फ वो एक पंचर है जो जिसकी वजह से हवा निकल गई और जो है ये टायर बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा रहे कि 6-7 मील का सफर और बंपों के ऊपर करना और बिल्कुल खाली टायर में हवा नहीं थी, अगर वो डैमेज नहीं हुआ तो सब लोग ड्राइवर हैं सब लोग जानते हैं, तो इसको मैं तो क़िबला पीर साहब की करामत नहीं समझता। इसके अलावा एक और करामत मेरे साथ यानी जिसका मैं गवाह हूँ, शुरू में जब मैं यहाँ आया से 17-18 साल पहले की ये बात है, उस वक्त जब भी उस मुबारक होता था तो क़िबला पीर साहब अपने दस्ते मुबारक से या एक दो साथियों को साथ लगा के वो जो इश्तहार होते थे तो उसके या किसी प्रोग्राम में उन लफाफों में डाल के उन पर एड्रेस लिख के पोस्ट किया करते थे, अभी भी पोस्ट करते हैं। तो मुझे हुक्म फरमाया कि आप जो है ईशा की नमाज पढ़ा के आ जाया करें, 2-3 दिन लगा के हम ये जो है एड्रेस लिखने। वो मैंने वो काम शुरू कर दिया। एक दिन में जब मैं आया तो हुज़ूर की तबीयत शरीफ बहुत खराब थी, सख्त बुखार में मुब्तला थे, ऊपर तशरीफ फरमा थे। मुझे फरमाया कि अगर आपने काम करना है तो वो बैग उठा के ऊपर ही आ जाए और यहीं बैठ के आप वो एड्रेस लिखे जब तक आपकी तबीयत चाहे।
मेरी दिल जी के मैं ले था, मैं वो ले गया ऊपर बैठ गया। आप कुछ देर तो लाटते रहे उसके, कुछ देर बाद फिर आप सो गए। जब आप सो गए तो आपकी जो सांस चल रही थी, यकीन करें मस्जिद में खड़ा हूं, मुझे उस सांस से क्लियर कट जो है वो अल्लाह हू की आवाज आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गोविंद के जो काम मैंने गौर से देखा, शायद आप जाग रहे हैं और आप जिक्र फरमा रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने आपसे देखा आप सोए हुए हैं, आपकी सांस को जो ऊंची ऊंची आ रही है उसके से अल्लाह हू अल्लाह हू सुभान। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि ये करामात जो है साथ से शेयर कर दूं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर क़िबला पीर सैयद फारूक हुसैन शाह साहब की गुलामी का जो अच्छा बख्शा है, हम अल्लाह ताला के इस पर शुक्रगुजार हैं। और क़िबला सरदारा साहब को एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ।